चेरू का रियल आशियाना। असल जिंदगी में कैसे हैं अनुज सचदेवा? सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल, वो तो है अलबेला के चीरू यानी कि अनुज के घर। और आज हम अनुज के साथ बिताएंगे पूरा एक दिन, मिलेंगे उनके परिवार से, वो भी तस्वीरों के जरिए। अनुज दिखाएंगे अपना गिटार वाला टैलेंट। अनुज के किचन में वो बनेंगे मास्टर शेफ, बनाएंगे यमी यमी हलवा। साथ ही साथ अपनी फिटनेस का वो कैसे रखते हैं ख्याल, देंगे उसकी कुछ खास टिप्स भी। और इसी के साथ जानेंगे अनुज सचदेवा के बारे में हर छोटी बड़ी बात। तो चलिए सास बहू और बेटियां में शुरुआत करते हैं इस डे आउट की, चल के उनके घर पर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मैं अभी रेडी ही हो रहा था। okay. और मैं बात ही कर रहा था कि वो आने ही वाले हैं और आप आ भी गए टाइम पर। तो भाई सबसे पहले अनुज के होम स्वीट होम की सैर कर ली जाए। सबसे पहले अनुज ने हमें बताया उनका फेवरेट कॉर्नर, जहाँ पर बैठकर वो चिल करते हैं। हाय, मैं अनुज सचदेवा, आज मैं आपको अपने घर की सैर कराता हूँ। चलिए अपने उस सेक्शन से चलते हैं जो मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्शन है, मेरा एक कॉर्नर घर का, जहाँ कहेंगे तो कि मेरा प्रोफेशन जो है, जो मेरा टेस्ट है, वो उससे बहुत मिलता जुलता है। आइए। सो ये कंफर्टेबल कुशनिंग मेरा एरिया है, जहाँ पर मुझे बहुत पसंद है यहाँ बैठना। सुबह मॉर्निंग में या शाम को कभी, जिस दिन मेरा ऑफ होता है, तो मैं उस वक्त यहाँ पर ही कभी चाय या कॉफ़ी या कुछ प्लान करता हूँ फ्रेंड्स के साथ। मैं यहाँ पर अक्सर उन्हें इस हॉल में, यहाँ पर इस कॉर्नर पे ज़रूर बिठाता हूँ। मेरा यहाँ पर एक प्रोजेक्टर है बिल्कुल सामने इस वॉल पर, और दैट्स 1 4K प्रोजेक्टर विच आई गॉट। और मैंने पूरा इंटरनली वायरिंग कंसील करके उसको अंदर कराया है, स्पीकर्स अंदर से लगवाए हैं, वूफर्स लगवाए हैं, और ये प्रॉपर मेजरमेंट के साथ किया गया। हमेशा लोगों ने जिन्होंने ये देखा, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि वो नीचे आएगा और हम उसमें फिल्म्स देखेंगे, आपको दिखाऊंगा। ये मेरा फेवरेट पास टाइम है कि मैं हमेशा फिल्में या शोज़ या कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो एंटरटेनिंग होती हैं। कॉमिकल कॉमेडी इज समथिंग विच आई लव। लिविंग रूम के बाद अब बारी अनुज के ओपन किचन में जाने की, जहाँ पर उन्होंने अपने इस फ्रिज को बड़े ही प्यार से सजाया है, कुछ तस्वीरें लगाई हैं जो है अनुज के दिल के करीब। कि जैसे अब यहाँ पर दोस्त आते हैं, ये दो बार चेयर्स हैं, और कभी भी मुझे कुछ उनको बना के देना होता है, आई वुड लव टू सर्व देम समथिंग, तो मैं यहाँ पर उसे मिक्स करके प्रॉपरली बना के आई कैन इजीली प्लेस इट हियर एंड गिव इट टू देम। दो चीज़ें हैं, एक ये बताऊंगा कि मेरे फ्रिज मैग्नेट जो आपको दिख रही है जहाँ जहाँ पर जगह जगह पर, वो सब मैग्नेट्स मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ वो सब मैग्नेट्स मैं वहाँ से लेके आया हूँ। इसके अलावा मेरे फैमिली की पिक्चर्स यहाँ पे हैं। ये एक टाइम था जब माय सिस्टर, माय मदर एंड माय फादर, वी ऑल वर देयर टुगेदर, साथ में थे, और मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था दिल्ली में जाके, जबकि उनको लग रहा था कि पार्टी करने गया अपने बर्थडे की बाहर। दैट्स माय डॉग जो दिल्ली में है मेरे साथ, वहाँ पे माय मदर इज टेकिंग केयर ऑफ माय डॉग वहाँ पे, और दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड प्रियंका हुसिया एंड द वीएडेस्ट एक्सप्रेशन विच आई ऑलवेज मेक। उसके अलावा पिक्चर्स मेरी, उसके अलावा ये सब मैग्नेट्स हैं जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करके आया हूँ। भाई चीरू सीरियल वो तो है अलबेला में है फैमिली मैन, और रियल लाइफ में भी वो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं। और देखिए सास बहू और बेटिया को उन्होंने मिलाया अपनी फैमिली से, वो भी इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि हर तस्वीर है खास। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फैमिली के पिक्चर्स। सो दीज आर द पिक्चर्स विच मेरी खुद की, मेरी फैमिली के पिक्चर्स हैं। माय मदर, उनके साथ मेरी पिक्चर है, माय फादर। तो एक वक्त था जब मुझे, आई थिंक इस वक्त आई रिमेम्बर माय मदर हैड टोल्ड मी कि ये पिक्चर शायद किसी मेरी फैमिली के लोगों ने ही ली थी जब वी वर नॉट अवेयर। तो मैं, हम शादी पे थे और मैंने अपने फादर को ये डालना सिखाया कि स्टोल कैसे डालते हैं, और दैट वाज अ मोमेंट व्हिच वाज कैप्चर्ड इन दिस।
इसमें। इसके अलावा यहाँ पर एक गुरुद्वारे में हम गए थे, माई नीस नेफ्यू माई सिस्टर एंड दिस इज माई बचपन की फ़ोटोग्राफ, जब माई मदर एंड माई पेरेंट्स आर एक्चुअली गॉन टू कश्मीर, और ये वही पिक्चर्स हैं। माई नानी माई नीस नेफ्यू जब वो यहाँ पर आए थे मुंबई में पहली बार, प्रेशियस पिक्चर, आई ऑलवेज कीप दिस, यू नो वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स, मैं कभी भूल नहीं सकता। व्हेन शी इज़ ट्राइंग टू टॉक टू मी एंड टेल मी समथिंग, शी इज़ नॉट देयर एनी मोर, बट दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर, द बेस्ट मेमोरी आई हैव अबाउट माई दादी। और ये एक टिपिकल पिक्चर जो हर कोई खींचता है आगरा जाके ताजमहल की चोटी को पकड़ने के लिए, और मैंने भी कुछ ऐसी हरकत बचपन में की थी। इसी के साथ अनुज सचदेवा ने शेयर की अपने करियर की कहानी इन तस्वीरों की जुबानी। ये मेरा फेवरेट सीन है, पर मैंने अपनी शुरुआत उसके बाद मैं बताऊंगा ये फिल्म के बारे में, जो उसके बाद मैंने एक सोलो फिल्म की थी खुद के ऊपर, मेन प्रोटैगनिस्ट फिल्म में था, लव शगुन के नाम से। उसके अंदर मेरा लुक कुछ ऐसा था कि ये चश्मा जो है वो हमेशा डाल के रखता है, इसलिए मैंने एक चश्मा उसका फ्रेम करके यहाँ रख दिया है। कुछ लुक उसकी नर्डी सी लुक थी कुछ इस तरह से, चश्मे के अंदर शीशा नहीं है, बट ये वो फिल्म है जो उसके बाद मैंने की थी और रिलीज़ भी हुई थी। और इसके बाद आती है बारी जहाँ से मैंने करियर शुरू किया था। तो मैंने 2005 में ग्रासन पैटर्न में करियर शुरू किया था, जहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी, और उसके बाद मैं रोडीज़ में सीज़न 3 में आई वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, सीज़न 3 तब जब रोडीज़ इतना पॉपुलर नहीं था, बट तब मेरी एक लुक थी जो ब्रीडेड हेयर में, ये वो लुक है, आई थिंक आप पहचान पाए ना पहचान पाए ये नहीं जानता, लेकिन ये वो लुक थी मेरी बालों की, जो मैं ऐसे लंबे बहुत लंबे बाल थे मेरे। सो ये उस टाइम का फ्रेम किया हुआ है। अब बारी है अनुज का कमरा देखने की जो उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। तो हम आ गए हैं हमारे पर्सनल स्पेस में, बेडरूम में, ये मेरा बेडरूम है आप देख सकते हैं। सो मैंने अपने बेडरूम में मोस्टली चीज़ें सब वाइट कर रखी हैं, जैसे कि मुझे ये रूम थोड़ा वाइट चाहिए था। ऑल्सो ये भी एक रीज़न है कि मुंबई में स्पेस हमेशा कम होती है, जिसकी हम हमेशा क्रेव करते हैं। जो भी लोग मुंबई से बाहर से आते हैं उनकी खासकर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है कि मुंबई में, मैं तारीफ मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कुछ बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मुंबई की स्पेस हमेशा थोड़ी सी क्रैम्ड होती है एज़ कम्पेयर टू कोई बाहर का कोई शहर, जैसे दिल्ली हो। दिल्ली में लोगों के बंगले कोठियाँ सबकी आदत होती है जैसे मुझे है, और यहाँ आने के बाद वो एकदम से इतनी कम स्पेस हो जाती है कि पहली चीज़ ये है उसे स्पेशियस कैसे दिखाया जाए। तो स्पेशियस दिखाने के लिए यहाँ तो आप वाइट कलर रखें घर के अंदर, उससे थोड़ा स्पेस ज़्यादा दिखती है, और शीशे लगाएं। सो मोस्टली शीशे लगाने से, जैसे कि यहाँ पे शीशा है, यहाँ पर लगाया मैंने, ये पैसेज के सामने का शीशा है, सो दैट द पैसेज लुक्स लिटिल लॉन्गर। मैंने वॉलपेपर लगाया, तो दिस इज टेक्सचर पेंट, ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो ये मैंने खुद किया था। आई रिमेम्बर ये उस आदमी से हो नहीं पा रहा था जिसने ये करना था, लेकिन मैंने इसे पुश करके खुद ही अपने हाथ से लगाने की कोशिश की थी, तब जाके उसे समझ आया था। सो आई लव डूइंग थिंग्स खुद ही अपने हाथों से, मुझे मेरे फादर से ये चीज़ बहुत सीखने को मिली कि कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो तो आप अपने हाथ से शुरू करिए, क्योंकि अगर आप समझिए कि उसमें फेल होते हैं या नहीं कर पाते तो भी देर इज़ समथिंग टू लर्न, समथिंग यू डेफिनेटली लर्न आउट ऑफ इट, जो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बाद में काम आता है। काम नहीं आता तो भी एक कहावत रह जाती है शेयर करने के लिए लोगों से कि ये एक चीज़ थी जो मैंने गलत की थी, आप मत करिएगा, तो उसे एक्सपीरियंस ही कहते हैं। ये मैं एक आई लव आउट ऑफ ऑल द सुपर हीरोज़ आई थिंक आई लव बैटमैन द मोस्ट, एंड इसलिए मैं ये एक लेके आया था। दिस लुक एंड फील आई वॉन्टेड ब्लैक एंड ग्रे के साथ, सो दैट्स व्हाई आई मेड इट। इसकी वायरिंग सब कुछ मैंने अंदर से करवाई थी इसीलिए कि आई कुड जस्ट गिव इट अ लुक। भाई अनुज को बुक्स पढ़ने का काफी शौक है, और इसी के साथ वो बेहद टैलेंटेड भी है क्योंकि वो बजा लेते हैं बहुत ही अच्छा गिटार। तो आइए सुनते हैं अनुज की सुरीली धुन। ऑटोबायोग्राफीज हैं और कुछ बायोग्राफीज हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सबसे बढ़िया उसमें से एक मुझे जो मैंने पढ़ी थी वो थी बुक रिचर्ड ब्रांसन। तो ये वो एक जगह है जहाँ मैं अपने शॉर्ट एक वन लाइनर लिखता हूँ जो मुझे करने ज़रूरी है, जो मुझे पसंद भी है, जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ।
सो आई कंटेम चांट एवरी डे. सो आई फॉलो बुद्धिज्म एंड आई मेक श्योर कि मुझे चांट करना चाहिए रोज़, प्रे करना चाहिए, और दैट्स हाउ माय रूटीन इज. और मॉर्निंग्स यहाँ से शुरू होती हैं, देन आई हैव अ योगा विच हैपन्स आफ्टर दैट, आई हैव पुट दैट टू, एंड देन लिटिल कंटेम्प्रेरी डांस विच आई वाज लर्निंग, मैं सीख रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो. मैंने कोशिश की थी मैं ऑनलाइन सीख सकूँ, वो इसके लिए मैंने डाला था. अब थोड़ा सा वक्त कम है तो इसलिए नहीं कर पा रहा, अदरवाइज दिस वॉज माई टारगेट टू कम्प्लीट. देन देर वॉज दिस इन द यू के एक्सेंट, आई लव, मुझे एक बहुत ही आई लाइक द वे दे स्पीक, द वे दे इज यू नो द टोनालिटी एंड द वे दे टॉक इज वेरी नाइस. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न दैट एंड दैट्स ऑल्सो विच इज आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. देन कैलिस्थेनिक्स इज अ फॉर्म ऑफ वर्कआउट एंड फिटनेस द वे यू कीप इट. तो उसके लिए आपको पैरलेट्स जो एक मिलते हैं वो भी मैंने रखे हैं अपने पास. सो बेसिकली हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी, अपनी बॉडी वेट के वेट से. चलिए अब आपको थोड़ा सा गिटार बजा के दिखाते हैं. सैर हो गई और अनुज का टैलेंट भी देख लिया, अब बारी उनके फिटनेस का राज जानने की. भाई अनुज सुबह सुबह बिना चूके करते हैं योगा, जिससे वो रहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त. तो आइए अनुज से लेते हैं फिटनेस की कुछ खास टिप्स. खाते हैं आपको रूटीन, मेरा सुबह मॉर्निंग का रूटीन क्या होता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉर्निंग में करने के लिए, इवन इफ शूटिंग के वक्त जब टाइम बिल्कुल नहीं मिलता तब भी सुबह जल्दी मैं उठ के वो सब पूरा करता हूँ. आज आप मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप लोग आ रहे हैं, लेकिन विल ट्राई एंड शो यू. भाई अनुज तो एक है लेकिन उनके टैलेंट है अनेक. एक्टिंग, गिटार बजाना, फिटनेस का ख्याल रखना, इन सब चीजों के साथ साथ वो रसोई में भी है एकदम एक्सपर्ट. तो चलिए सीधा चलते हैं अनुज की रसोई में और देखते हैं आज मास्टर शेफ बने अनुज क्या पका रहे हैं. चलिए योगा तो हो गई, अब योगा होने के बाद बहुत जरूरी काम जो हम सब करते हैं वह है पेट पूजा. अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं. कहने का मतलब यह है कि हम शुरुआत करते हैं मुंह मीठा करने से. सिंस आप हमारे घर आए हैं तो एक मुंह मीठा होना चाहिए. और साथ ही बहुत ही बेहतरीन चीज है, मैं इसके पीछे कहानी बताता हूँ कि मुंबई आने के बाद मुझे एक बहुत ही फेवरेट मेरी जो हमेशा से रही थी जो डिश या क्या कहें कि मीठा, वो था गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद. जो लोगों को पता है इस बारे में कि जो हलवा ब्राउन कलर का बनता है आटे का, जो वो मस्त घी में तर रहा होता है, वो मुझे मुंबई में नहीं मिला. गुरुद्वारे में डेफिनेटली मिलता था लेकिन बाहर कभी बना नहीं पाया. तो उसको मैंने सीखा इसलिए क्योंकि मेरा फेवरेट है और मैं चाहता था कि अब आप सबके सामने उसके जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं बता सकूं कि कैसे उसे बनाया जाता है. तो चलिए आधा काम तो हमने कर दिया है इसे बनाने का, थोड़ा सा काम बताना चाहूँगा कि क्या क्या इसमें डला है. इसमें शक्कर आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे, शक्कर वैसे कम डालनी चाहिए पर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर आप इसको शुगर फ्री में भी बना सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं करनी. तो ये बादाम होंगे ड्रेसिंग के लिए, उसके अलावा घी की ज़रूरत पड़ेगी, घी चाहिए होगा देसी घी, और देसी घी तो बहुत चाहिए होगा. जितना देसी घी होगा उतना ज़्यादा ही मक्खन बनेगा. और साथ में चाहिए आटा. सो आटे को अच्छे से भून दिया जाता है टू मेक श्योर कि वो अच्छे से
ब्राउन हो जाए। मैंने आधा काम करके रखा है यहाँ पर, उसे ब्राउन करने के लिए यहाँ पर रखा था। बस इसे ज़रूरी काम इसमें यह है कि जब इसे बना रहे हो तो उसे हिलाते रहें, अगर आपने ज़रा सा भी छोड़ दिया तो आटा जलने या उसकी फ्लेवर उसका ख़राब हो सकता है। उसके साथ ही साथ आप अलग से पानी में शक्कर डाल के उसे उबाल लेंगे, वो ये अलग से मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसमें थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, जैसे कि इसमें दाने आपको दिख रहे होंगे ऊपर, और शक्कर उसमें घुल चुकी है थोड़ी सी, साथ में पानी उबाल दिया गया है। अब इसे जब गर्म कर दिया जाएगा करीब 5 से 10 मिनट 10-15 मिनट के लिए, हम थोड़े से हल्के सेक पे गर्म करना ज़रूरी है। वो गर्म होने के बाद आप उसके अंदर पानी डालेंगे और फिर उसे अच्छे से हिलाएंगे। उसे अच्छे से हिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छा इस आटे के अंदर घी बहुत डाला गया है, सो साथ ही साथ जब आटे को ब्राउन किया जाता है उसके बाद घी डाल दिया जाता है। घी डालते डालते साथ साथ में वो इसलिए कि ताकि वो सॉफ्ट हो सके और वो अच्छे से वो आपको फ्लेवर दे सके जब वो मिक्स होगा पानी के साथ। तो ये इसका मेन जो सीक्रेट पीछे है वो ये है कि आपको इसे हल्के आँच पे अच्छे से हिलाते रहना है। पेशेंस बहुत चाहिए इसमें बनाने के लिए, अगर आपको बिल्कुल वैसा टेस्ट चाहिए हो जैसे आपको कड़ा प्रसाद में होता है, उसी हिसाब से ये ज़रूरी है कि इसमें हिलाते रहें और साथ में जब पानी डालें तो उसकी गांठें ना बने, वो बॉल्स ही बन जाती हैं उसके अंदर। तो वो ज़रूरी है कि आप उसको पानी डालने के बाद मेक श्योर कि यू कीप मूविंग इट, कीप स्टेयरिंग द होल थिंग। तो ये मेन सीक्रेट इसके पीछे है, मतलब जल्दी नहीं चाहिए इसमें, आराम से प्यार से धीमी आंच में बनाना ज़रूरी है, तभी आपको वो फ्लेवर वो टेस्ट आ पाएगा। वाकई सीरियल वो तो है अलबेला में कान्हा और नकुल के बड़े भाई चीरू हैं काफी टैलेंटेड, रियल लाइफ में ही नहीं रियल लाइफ में भी वो करते हैं मल्टीटास्किंग और रखते हैं खुद का और बाकी सबका ख्याल। तो उम्मीद है आपने अनुज सचदेवा के बारे में जानी होंगी छोटी बड़ी बातें और उनकी रियल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पूरे घर का ब्यौरा दे दिया, आपने मेरा पूरा घर देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि मुझे कौन सी जगह यहाँ पर पसंद है, क्या मेरे फ्लेवर्स हैं, क्या मेरे टेस्ट हैं, क्या मेरा खाना है जो मुझे बहुत पसंद है। आप भी इसे ट्राई कीजिए कड़ा प्रसाद घर पे और देखिए कि कैसा स्वाद आता है। और इसके अलावा मैंने आपको योगा भी दिखाई। अब जबकि आप सब जानते ही हैं तो अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है आप सबसे विदाई लेने का, और अगली बार फिर से आऊँगा जल्द ही इसी चैनल पर इसी शो में। शायद कुछ नई तब्दीलियां होंगी घर में, तब शायद कुछ नए शौक होंगे, कुछ नए नए लाइफस्टाइल में चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चेंज होंगी। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।